नमस्कार दोस्तों, सविता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्यिका। अर्थात माध्यिका हम किसको कहते हैं और ये इसका गणना हम कैसे करेंगे, आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आज कि माध्यिका की परिभाषा क्या होती है। आइए हम देख लेते हैं माध्यिका की परिभाषा क्या होती है। तो माध्यिका की परिभाषा की बात किया जाए तो हम देखते हैं, यदि किसी श्रेणी को या ऐसे हम कह सकते हैं, यदि किसी श्रेणी के पदों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर, आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाए तो बीच वाले पद का मान उस श्रेणी का माध्यिका कहलाता है। अर्थात अगर चर्चा किया जाए, अगर डिफिनेशन के बाद तो लिख सकते हैं हम लोग, यदि किसी श्रेणी के पदों को किसी श्रेणी के पदों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाए तो बीच वाले पद का मान उस श्रेणी का माध्यिका या इसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। माध्यिका या मीडियन कहते हैं या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। यदि किसी श्रेणी के पदों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाए तो बीच वाले पद का मान उस श्रेणी का माध्यिका या मीडियन कहलाता है। ओके, हम चर्चा कर लिए इस पर डिफिनेशन की बात। अब हम देख लेते हैं कि जो माध्यिका होता है, माध्यिका श्रेणी को, माध्यिका जो होता है वो श्रेणी को दो भागों में विभाजित कर देता है। एक माध्यिका के एक भाग में क्या होता है, श्रेणी से, अर्थात इसको हम देख सकते हैं इस प्रकार से कि एक भाग में माध्यिका का मान कम होता है और दूसरे भाग में माध्यिका का मान क्या होता है, अधिक होता है। ओके, अब देख लेते हैं हम कि इस पद के दोनों ओर निरीक्षणों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात निरीक्षण की बात किया जाए तो इसमें दो कंडीशन बनते हैं। अर्थात नंबर एक की बात किया जाए तो जब निरीक्षणों की संख्या क्या होती है, विषम होती है। नंबर एक में क्या है, विषम होती है, तो उस कंडीशन में हम जो फार्मूला या सूत्र लिखते हैं उसका यूज करेंगे। आइए देख लेते हैं, इसमें जब हमारी निरीक्षण संख्या विषम होगी उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में आपका कौन सा फार्मूला लगेगा, तो हम उसमें जो फार्मूला लगाएंगे तो हम लिखेंगे एम ई, अर्थात मीडियन होगा, मीडियन बराबर होगा एन प्लस वन अपान टू। ये इसका फार्मूला है, अर्थात किस कंडीशन में है, जब निरीक्षण की संख्या हमारी विषम होगी। अर्थात नंबर दो की बात किया जाए, जब निरीक्षण की संख्या हमारी सम होगी उस कंडीशन में कौन सा सूत्र लिखेंगे हम लोग, तो इस कंडीशन में हम सूत्र लिखेंगे एम ई अर्थात मीडियन बराबर लिख सकते हैं हम लोग इसको, मीडियन बराबर वन अपान टू, ब्रैकेट में हम लिखेंगे एन अपान टू वे पद का मान प्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग एन अपान टू प्लस वन वे पद का मान। ओके, ये इसका फार्मूला है। अर्थात जब निरीक्षण की संख्या हमारी विषम होगी उस कंडीशन में एन प्लस वन अपान टू फार्मूला लगेगा, और जब हमारी निरीक्षण की संख्या सम होगी उस कंडीशन में जो हमारा फार्मूला लगेगा वो होगा मीडियन अर्थात समांतर माध्य बराबर एक बटे दो, ब्रैकेट में लिखेंगे एन बाई टू वे पद का मान प्लस एन बाई टू प्लस वन वे पद का मान। अर्थात ये बात हो गई हमारी कि निरीक्षण की संख्या के आधार पर। अब हम अगला पॉइंट पर चर्चा करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ
मीडियन अर्थात समांतर माध्य की गणना हम कैसे करते हैं, आइए हम देख लेते हैं। तो आगे वाला पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं कि समांतर माध्य की गणना हम कैसे करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, मीडियन अर्थात जिसको हम लिखेंगे माध्यिका की गणना, माध्यिका की गणना, माध्यिका की गणना। तो माध्यिका की गणना में तीन कंडीशन होंगे। नंबर एक पर बात होगा हमारा कि जब हमारा श्रेणी इंडिविजुअल श्रेणी में हो, अर्थात इंडिविजुअल हम किसको बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में आपका होता है क्या, व्यक्तिगत श्रेणी, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी। ओके, ये हमारी बात हो गई व्यक्तिगत श्रेणी। और नंबर दो पर चर्चा करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ओके, डिस्क्रीट सीरीज इसको हम बोलते हैं क्या, खंडित श्रेणी। ओके, खंडित श्रेणी। ये नंबर तीसरे की बात किया जाए इसको हम बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, ये हमारी बात हो गई कंटिन्यूअस सीरीज की। ओके, कंटिन्यूअस सीरीज इसको हम क्या बोलते हैं, सतत श्रेणी। ओके, ये बात हो गई हमारी नंबर तीन कंटिन्यूअस, और पहला नंबर क्या है इंडिविजुअल सीरीज, इसको हम बोलते हैं क्या, व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज जिसको हम बोलते हैं खंडित श्रेणी, और तीसरा क्या है आपका कंटिन्यूअस सीरीज जिसको हम बोलते हैं सतत श्रेणी। अब देखिए जब हमारी श्रेणी अर्थात इंडिविजुअल में होगा तो हम आपको बताए होंगे इंडिविजुअल में क्या होता है, सिर्फ हमको एक्स पता रहता है, एक्स का मान हमको दिया रहेगा। और क्या है दूसरी की बात किया जाए तो इसमें सिर्फ इंडिविजुअल में क्या होता है, एक्स हमको दिया रहेगा, और डिस्क्रीट में दिया रहेगा क्या, एक्स और हमको एफ दिया रहता है। ओके, और इसमें क्या है कंटिन्यूअस में हम आपको बताए होंगे इसमें सी आई और एफ आपको दिया रहेगा आपके पेपर में। ओके, तो देख लेते हैं हम नंबर एक अर्थात इंडिविजुअल सीरीज की बात में, इंडिविजुअल में देखेंगे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज। ओके, इंडिविजुअल सीरीज की बात किया जाए तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि सिर्फ हमको इसमें क्या होता है, यक्स हमको दिया रहेगा। तो देखिए यक्स जब आपको दिया रहेगा अर्थात हम देखेंगे इसमें दो कंडीशन बनेंगे, इसमें आपके जो सिर्फ यक्स जो दिया रहेंगे तो इसमें दो कंडीशन बनते हैं, अर्थात जब निरीक्षण की संख्या हमारी सम होगी उसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, और जब हमारी निरीक्षण संख्या विषम होगी तो उसमें हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं। देख लीजिए अगर हमारा निरीक्षण की संख्या विषम होगा तो उस कंडीशन में हम फार्मूला जो लगाते हैं n+1/2, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं हम लोग median बराबर n+1/2। ये हमारा किस कंडीशन में है, निरीक्षण संख्या जब हमारी विषम होगी, और जब हमारा निरीक्षण संख्या सम होगा उस कंडीशन में क्या हमारा है, इसको हम लिख सकते हैं मीडियन अर्थात me = 1/2 अर्थात n/2 वे पद का मान प्लस ब्रेकर में लिख सकते हैं n+n/2+1 वे पद का मान, इसको हम बोल सकते हैं वे पद का मान। ये हो गया हमारा, ये विषम कंडीशन में है, ये हमारा सम की कंडीशन में। आइए हम देख लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज में कैसे हमको एग्जांपल दिया जाता है, देख लीजिए आप इसमें। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा आप, इंडिविजुअल नंबर एक पर हम चर्चा करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में क्या क्या हमको दिया रहेगा और हम कैसे इसमें माध्यिका ज्ञात करते हैं, आइए देख लेते हैं हम आप। ओके, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग। मान लीजिए ये हमारा एग्जांपल हो गया, इसमें आपको दिया रहेगा क्या, मान लीजिए आपका 11 है, 12 दिया गया है आपका, और 14 आपको दिया गया है, फिर 12, 13 उसके बाद आपका फिर 11 है, उसके बाद आपका फिर 14 होगा, 12 होगा, उसके बाद आपका 30 फिर है, उसके बाद फिर आपका 16 और 13।
अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, दी हुई संख्या को हम क्या करते हैं, अर्थात दी हुई संख्या को पहले हम काउंटिंग करेंगे कि सम है या विषम। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, अर्थात इसमें हमारा क्या है, ये विषम हो गया, अर्थात इसमें दूसरी संख्या क्या है, विषम हो गया, अर्थात 11 है। तो हम क्या बताए हैं, इसके डिफिनेशन में हम आपको बताए होंगे कि दी हुई श्रेणी को हम आरोही या अवरोही क्रम में रख लेते हैं, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि आरोही क्रम में रखने पर, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर, ओके रखने पर, चलिए हम लिख लेते हैं, अर्थात इसका सेंटेंस होगा आरोही मतलब बढ़ना। पहले मान लीजिए एक रखेंगे, उसके बाद दो रखेंगे, फिर उसके बाद तीन रखेंगे, इसी प्रकार से हमारा क्या है कि जो आरोही क्रम आपका है उसको हम क्या, आरोही क्रम जो आपका है उसको हम किसमें रखेंगे, आइए देख लेते हैं हम लोग आरोही क्रम, ओके आरोही क्रम में अर्थात मतलब बढ़ते क्रम में, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें 11, अर्थात 11 आपका हो गया, एक देख लीजिए आप 11 आपका यहाँ है, अर्थात 11 हो गया, उसके बाद 12 नंबर आएगा, तो एक 12 हो गया इधर, एक 12 आपका यहाँ है, उसके बाद आपका एक 12 यहाँ है, ओके। अब देख लीजिए इसके बाद 13 का नंबर आएगा, अब देख लीजिए एक 13 आपका यहाँ है, एक 13 आपका यहाँ है, अर्थात एक 13 आपका यहाँ है, ओके। अब बात आएगी हमारी 14 की, 14 की बात किया जाए तो एक 14 हमारा यहाँ है, आइए देख लेते हैं, एक 14 हो गया, दूसरा 14 हमारा यहाँ है, ओके। अब देख लेते हैं 14 में 15 नहीं है, अर्थात एक 16 है हमारा। देखिए जो ये दी हुई संख्या क्या था, कोई उसका क्रम नहीं था, हम उस चीज को क्या बोल दिए, आरोही क्रम में सजा दिए, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में रख लिए। चलिए रखने के बाद हम काउंटिंग कर लेते हैं कि हमारी जो दी हुई संख्या है वो टोटल है या नहीं। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, अर्थात हमारी दी हुई संख्या टोटल है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अर्थात हम आपको बताए होंगे जब निरीक्षण की संख्या हमारी विषम होगी उसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आइए देख लीजिए, हम ब्रैकेट में आपको लिख देते हैं कि फार्मूला हम इसमें 1 n + 1/2 यही फार्मूला इसमें लगेगा विषम के कंडीशन में। चलिए हम इसी पर रखकर देख लेते हैं, अर्थात हम क्या लिखेंगे कि n+1 फार्मूला लिख लीजिए, आप लिख दीजिए आप फार्मूला, फार्मूला फार्मूला मतलब आपका है जो सूत्र है इसमें वो कौन सा लगेगा, देख लीजिए आप इस चीज को, तो फार्मूले पे क्या है आपका n+1, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं कि मीडियन बराबर होगा n+1/2, ओके। तो n की संख्या हमारी कितनी है 11, अर्थात हम लिखेंगे 11+1/2, इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 12/2, अर्थात हो जाएगा 6, अर्थात छठवें पद का मान हमको रखना है, छठवें पद का मान आएगा आपका क्या होगा, ये माध्यिका होगा फिर। तो छठवें पद में आप देख लीजिए जो श्रेणी आप आरोही या अवरोही क्रम में रखे हैं उसी में देख लीजिए, आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अर्थात ये छठवां पद है, इधर से आप काउंटिंग कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अर्थात जो माध्यिका होगा, तो माध्यिका कितना होगा हमारा, तो हम लिख सकते हैं माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर क्या होगा हमारा 13, और यही हमारा क्या है आंसर हो गया। ये कंडीशन किस में है, जब हमारी निरीक्षण संख्या हमारी विषम होगी। आइए हम सम के कंडीशन में देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप देख लीजिए कि यदि हुई संख्या को हम पहले काउंटिंग करते हैं सम है या विषम, अर्थात विषम होगा तो उसमें हम फार्मूला n+1/2 लगाएंगे, यदि सम संख्या होगी तो 1/2, अर्थात n+n/2 वे पद का मान प्लस n/2+1 वे पद का मान, उसमें वो फार्मूला लगता है। आइए देख लेते हैं, ये तो हमारा विषम था, हम देख लीजिए आरोही क्रम में पहले रख लिए, उसके बाद उस चीज को हम देख लीजिए कि अगर हमारा आपका विषम है तो उसमें विषम वाला फार्मूला लगाकर उसको हल कर लेते हैं, ओके। आइए हम चर्चा करते हैं अब सम कंडीशन में, सम में दिया रहेगा तो हम कौन से फार्मूला से उसको लगाएंगे, आइए देख लेते हैं एक सम का एग्जाम्पल लेकर हम लोग। चलिए अब हम देखेंगे सम के कंडीशन में, सम के कंडीशन में हमारा क्या होगा, ओके। सम के कंडीशन में आप देख लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल है, ये आपका सम के कंडीशन में होगा, ओके। दूसरे कंडीशन में देख लीजिए आपका, मान लीजिए दिया है आपका 9 हो गया, 6 हो गया आपका, 10 दिया गया है, 8 आपके पास दिया गया है, 7 दिया गया है, 9 दिया गया है,
उसके बाद आपका फिर 10 दिया गया है, 6 दिया गया है, उसके बाद 8 दिया गया है, उसके बाद आपका 11 दिया गया है। अब ये आपको डाटा दिया गया है। अब हम आप देखेंगे इसमें कि पहले काउंटिंग करेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात ये क्या है हमारा सम संख्या, निरीक्षण के आधार पर ये क्या है सम। तो इसमें हम आपको बताए होंगे कि जो हमारा सम संख्या होता है उसमें हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं। तो इसमें जो फार्मूला लगता है ये होता है आपका, यहाँ हम लिख सकते हैं मीडियन बराबर होगा 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग n/2 वे पद का मान, वे पद का मान प्लस क्या होता है ब्रैकेट में फिर लिखेंगे n/2 प्लस 1 वे पद का मान, वे पद का मान, ये सम के कंडीशन में फार्मूला लगेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं, अब हम बताए होंगे आपको डिफिनेशन में कि दी हुई श्रेणी हम पदों को क्या करते हैं, हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, हम लिखेंगे इसमें आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर, क्रम में रखने पर, रखने पर। ओके, अब देख लीजिए आप आरोही क्रम में रख लीजिए, सबसे पहले इसमें कौन सा छोटा सबसे है आपका 6 होगा ना, 6 लिख लीजिए आप, 6 लिख लीजिए, 1 6 यहाँ है, 1 6 आपका इधर है। ओके, 2 हो गया, उसके बाद आएगा आपका 7 का नंबर, 7 देख लीजिए, 1 7 आपका यहाँ है, उसके बाद 1 7 आपका फिर नहीं है। ओके, अब आए बात आपकी 9 की, 8 की बात, 8 हो गया, 1 आपका 8 यहाँ है, उसके बाद 1 8 आपका यहाँ है। ओके, अब बात आ गई 9 की, 9 में देख लीजिए, 1 9 आपका यहाँ है, 1 9 आपका यहाँ होगा, तो 9 9 2 दिया गया है। अब उसके बाद 10 की बात आएगी, 10 एक अब यहाँ है, एक आपका 10 यहाँ है, तो 2 10 की बात हो गई। अब उसके बाद आएगी 11 की बात, 11 आपका सिंगल है। अब देख लीजिए जो डाटा आप आरोही क्रम में सजा कर रखे होंगे उसमें देखिए आपका सम आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात आपको जो दी हुई डाटा था वो हमारा सम है। अब हम क्या इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1/2, तो इस फार्मूले पर रखकर हम हल कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ रखेंगे 1/2 ब्रैकेट में क्या करेंगे n, अर्थात ये हमारा कितना टोटल आया है 10, तो हम क्या करेंगे n की जगह हम रखेंगे कितना 10, तो हम रखेंगे 10/2 वे पद का मान, वे पद का मान, पद का मान प्लस फिर इसमें क्या है, अर्थात n की जगह हम कितना रखेंगे ब्रैकेट में 10/2 प्लस 1 वे पद का, पद का मान। ओके, ये बात हो गई हमारी सम के कंडीशन में। अब इसी चीज को हम हल कर लेते हैं, अर्थात यहाँ हो जाएगा हमारा क्या 1/2 हो जाएगा, उसके बाद इस चीज को हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा पांचवें पद का मान। ओके, ये हमारा हो जाएगा पांचवें पद का मान, पांचवें पद का मान प्लस इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 वे पद का मान, वे पद का मान। ओके, ये हो गया। अब इस चीज को हम हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 अर्थात पांचवें पद का मान और छठवें पद का मान, ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं पांचवें पद का मान, पद का मान प्लस अब 5 और 1 जोड़ लीजिए आप 6 हो गया ना, तो ये हो जाएगा आपका छठवें पद का, पद का मान। ओके, ये हमारा बात हो गई पांचवें और छठवें पद। अब हम देखिए दी हुई डाटा में जो हम श्रेणी रखे हैं तो उसी में से हम पांचवें और छठवें पद निकालेंगे। अब देख लीजिए ऊपर की तरफ हम लगा देते हैं यही सवाल आपका, आइए हम देख लेते हैं। तो आपका यहाँ तक तो हो गया होगा, तो पांचवा पद आपका कौन सा है 1 2 3 4 5, अर्थात ये पांचवा पद हो गया और छठा पद कौन सा हमारा है और ये हो गया। ओके, अब देख लीजिए इधर देख लीजिए 1 2 3 4 5 अर्थात छठवा, अर्थात 8 और 9 हमारा पांचवा और छठ पद। तो हम लिखेंगे 1/2 बराबर, अर्थात बराबर 1/2 ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इसको, छठवां पांचवा पद हमारा कितना है 8, अर्थात यहाँ लिखेंगे 8 प्लस छठवां पद हमारा 9, दोनों को हम जोड़ लेंगे उसके बाद डिवाइड कर देंगे। आज देख लीजिए तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा कितना हमारा 17 9 8 17। अब इसको हम डिवाइड कर लीजिए इसको, तो हम क्या करेंगे 17/5 कर देंगे इसको, 17/2 बराबर कितना हो जाएगा 8.5, यही हमारा
आंसर हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, सम के कंडीशन में। ओके, ये बात हो गई हमारी सम कंडीशन में। आइए हम देख लेते हैं कैसे कैसे हम लगाएं। दो ही डाटा को हम सबसे पहले क्या किए, देख लिए सम है या विषम। सम था इसलिए हम उसमें फार्मूला कौन सा लगाए, 1/2 ब्रैकेट में एन बाई टू वे पद का मान प्लस एन बाई टू प्लस वे पद का मान। उसके बाद हम दी हुई डाटा को हम आरोही क्रम में सजा लिए, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में हम रख लिए। अब देख लीजिए उसको हम इस प्रकार रख लीजिए, फिर इसको हम रख दिए इसी पर, आपका फार्मूले पर रखकर हल कर दिए, हमारा आंसर कितना हो गया 8.5। ओके, इस चीज को हम इस प्रकार से लगाते हैं, वो भी किसमें, सिर्फ व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। ये दो फार्मूले हैं। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट अर्थात खंडित श्रेणी की बात किया जाए, तो खंडित श्रेणी में हम आप ध्यान देंगे कि चाहे हमारे पद सम हो या विषम हो, अर्थात निरीक्षण की संख्या चाहे हमारा सम होगा चाहे वह विषम होगा, जनरली आपका या एक ही फार्मूला उसमें लगेगा। चलिए हम डिस्क्रीट सीरीज की बात किया जाए, तो डिस्क्रीट सीरीज में आपका दो ही होता है, तो दूसरे बात हम करते हैं क्या, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सीरीज। ओके, डिस्क्रीट सीरीज मतलब यह होता है आपका, ओके डिस्क्रीट सीरीज की बात किया जाए तो ये हो जाएगा हमारा क्या, खंडित श्रेणी। इसको बोलते हैं क्या, खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में हम आप ध्यान देंगे कि देखिए आपका चाहे हमारी संख्या छोटी सम हो या विषम हो, उस कंडीशन में हम जनरली आपका जो आपकी संख्या है वो चाहे सम होगा चाहे विषम, फार्मूला आपका जनरली एक ही लगेगा। कौन सा फार्मूला है, वो आपका लगेगा n+1/2। यही आपका अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चाहे सम हो चाहे सम हो या विषम दोनों दशाओं में, इसको लिख सकते हैं नोट पॉइंट पे हम, आप चाहे सम हो या विषम दोनों दशाओं के लिए। ओके, दोनों दशाओं के लिए, इस चीज को हम नोट पॉइंट पे रख लेंगे। आइए हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसमें सवाल लगाते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग, तो हमको इसमें हम आपको बताए होंगे डिस्क्रीट सीरीज में हमको दो चीज पता रहेगा, क्या क्या रहेगा, यक्स और एफ हमको मालूम रहेगा, अर्थात इसमें जो डाटा दिया रहेगा वो हमारा क्या है, यक्स और एफ। ओके, चलिए हम देख लेते हैं कि यक्स जो है हमारा, एक आपका यक्स कॉलम ये है और फ्रिक्वेंसी आपको पेपर में दिया रहेगा। ओके, चलिए यक्स वाला कितना है हमारा, ये हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 17, इतना हमारा यक्स वाला दिया रहेगा हमको। ओके, आइए हम बात कर लेते हैं उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए, तो फ्रीक्वेंसी में क्या क्या हमको पता रहेगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी में हमको क्या क्या दिया रहेगा। फ्रीक्वेंसी हमारा जो है इसमें ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हमारा 7, ये हमारा 9, ये हमारा 11, ये हमारा आपका 8 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। ओके, हमारे पेपर में ये दो चीज़ हमको पता रहेगा। तब हम आगे वाला जो कॉलम हमारा बनेगा वो क्या होगा, इसमें हम ध्यान देंगे कि यक्स एफ अर्थात डिस्क्रीट सीरीज में हम जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसका हम संचयी बारंबार बात करें, अर्थात किसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम किसे प्रदर्शित करते हैं, सी और एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, संचयी बारंबारता। ओके, अब हम निकालेंगे तो इसको हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ते रहेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3, उसके बाद ये आपका 10 हो जाएगा, उसके बाद ये आपका 19 हो जाएगा, उसके बाद आप जोड़ देंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, फिर इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 43 हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा फिर 47, अर्थात हमारा क्या है, ये विषम हो गया। ओके, अर्थात हम बोले हैं चाहे हमारा सम हो या विषम हो दोनों दशाओं में क्या होगा हमारा, n+1/2 यही फार्मूला लगेगा, ये इसका फार्मूला है। तो इसी फार्मूले को हम रखकर हल कर लेते हैं, देख लीजिए कैसे हम हल करते हैं, यन की संख्या हमारी कितनी आ गई, देखिए जितना हमारा फ्रीक्वेंसी होगा उतनी ही संचयी बारंबारता आना चाहिए हमारे। ओके, अर्थात देख लीजिए
जो हमारी फार्मूला दिया गया है उस पर हम रख लेते हैं। यन की संख्या कितना रखेंगे हम लोग, 47, अर्थात यहाँ लिखेंगे हम लोग फार्मूले पर यन प्लस वन अपान टू, अर्थात हम लिखेंगे 47 प्लस वन अपान टू, ये कितना हो जाएगा 48, 48 अपान क्या हो जाएगा हमारा 2, इसको हम जब हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 24, अर्थात ये होगा 24वें पद का मान, 24वें पद का मान, ओके 24वें पद का मान। अर्थात देखिए यही अभी आपका ये आंसर नहीं है, ये अभी हमारा 24वां पद आया हुआ है। अब देखिए हम संचयी बारंबारता वाले कॉलम में देखेंगे कि जिसके अंतर्गत हमको 24 मिलेगा उसी को हम अंडरलाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको 24 नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास 19 ही रुपया है, अगर हमसे कोई 24 रुपया मांग रहा है तो हम नहीं दे पाएंगे, तो हम भेजेंगे अपने बगल वाले के पास, अर्थात जिनके पास हमारे बगल वाले के पास कितना है 30 रुपया है, 30 रुपया मतलब है तो यहाँ पर इसको 24 रुपया मिल जाएगा, अर्थात इस चीज़ को हम क्या करेंगे अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि 30 वाले के सामने जो x वाला कॉलम है हमारा, तो यही क्या होगा हमारा, अर्थात ये वाला जो है टोटल, आइए हम देख लेते हैं जो ये वाला पोर्शन हमारा है, ओके ये जो पोर्शन है तो यहाँ हमको 24वें पद का मान क्या होगा, ये हमारी जो माध्यिका है उसमें माध्यिका बराबर कितना होगा 12 होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि माध्यिका बराबर लिख सकते हैं हम लोग माध्यिका बराबर ये हमारा कितना होगा 12 होगा, यही देख लीजिए। तो हमारा संचयी बारंबारता वाले कॉलम में 30 के सामने क्या है, x वाले कॉलम के सामने हम देखेंगे कितना आएगा हमारा 12 है, तो हमारा जो माध्यिका होगा क्या 12 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया, अर्थात ये हमारी क्या थी विषम के कंडीशन में। अब अगर सम के कंडीशन में देखा जाए तो आइए देख लेते हैं हम सम के कंडीशन में कैसा होगा हमारा, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो हम बताए हैं कि सम हो या विषम, दोनों दशाओं में हम क्या करते हैं n प्लस वन अपान टू का फार्मूला लगाकर हम हल करते हैं। तो हम चलिए देख लेते हैं, अब ये तो अभी हमारा विषम था, अब हम यदि सम की बात किया जाए तो सम दशाओं में कैसे लगाते हैं हम सवाल इस चीज को, या कैसे हम हल करते हैं, आइए देख लेते हैं हम इस चीज को। मान लीजिए ये हमारा कुछ डाटा दिया गया है हमको, ओके ये यक्स और यफ हमको इसमें भी पता रहेगा, अच्छा मालूम रहेगा इसको हम कैसे हल करते हैं, आइए हम देख लेते हैं, ओके। तो मान लीजिए यक्स वाला कॉलम है हमारा ये, और फ्रिक्वेंसी ये दोनों हमको दिया रहेगा या हमको मालूम रहेगा, ओके। अब बात कर लिए आप, अगर उसकी बात किया जाए यक्स 5 हो गया 7 हो गया, उसके बाद आपका 10 हो गया, उसके बाद आपका 11 है, उसके बाद आपका 16 है, उसके बाद आपका 22 है, उसके बाद आपका 26 है, अर्थात ये हमारा यक्स वाला हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की, फ्रिक्वेंसी में हम देख लेते हैं कि फ्रिक्वेंसी हमको कितना दिया गया है। चलिए फ्रिक्वेंसी की बात किया जाए तो फ्रिक्वेंसी में हम देख लेते हैं कि फ्रिक्वेंसी कितना है, ये हमारा 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद आपका 7 हो गया, ये 4 हो गया, उसके बाद हमारा 2 हो गया, ये इतना फ्रीक्वेंसी हमको दिया रहेगा। अब हम क्या करेंगे आगे देखेंगे क्या निकालने के लिए, इसमें हम संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेंगे, इसका संचयी बारंबारता क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अर्थात संचयी बारा में हिंदी में बोलते हैं इसको और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अर्थात सी और एफ। तो हम पहले क्या बोले हैं, फ्रीक्वेंसी को जोड़ लीजिए आप, जितना आपका टोटल फ्रीक्वेंसी आएगा उतना ही आपका संचयी बारंबारता आना चाहिए, ओके। तो हम काउंटिंग करेंगे, हो गया आपका कितना 2, उसके बाद इसको जोड़ लेंगे 3, अर्थात 6 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, उसके बाद 24 आपका जो 24 ये भी आएगा, और फ्रिक्वेंसी आप जोड़ेंगे ये भी आपका 24 ही आएगा, ओके। अर्थात हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमारा क्या है, यन की संख्या सम हो गई, हम आपको यहाँ लिख के बताए होंगे चाहे हमारी संख्या सम हो या विषम, हम हमेशा क्या करते हैं उसमें n प्लस वन अपान टू का फार्मूला लगाएं, तो इसी पर हम फार्मूले पर रखकर हल कर देते हैं सवाल, आइए देख लेते हैं कैसे हम हल करते हैं। तो n की जगह हम कितना रखेंगे, अर्थात इसमें हम फार्मूले पहले लगा कर देख लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको मीडियन, अर्थात टोटल लिख लीजिए आप इसमें, मीडियन बराबर होगा आपका n प्लस वन अपान टू, अर्थात n की संख्या कितना है आपका 24, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 24 प्लस वन अपान टू, अर्थात इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या 25 अपान टू बराबर
12.5, अर्थात ये हमारा क्या हो गया। अब इसको जो आया हुआ है हमारा आंसर, इसको हम देखेंगे किसके अंतर्गत, हम बताएं आपको किसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संचित बारह मात्रा वाले कॉलम में किसके अंतर्गत हमको मिलेगा। देखिए यहाँ इसके अंतर्गत हमको मिल जाएगा, देखिए संचित बारह मात्रा में 18 है तो इसके अंतर्गत हमको ये चीज प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो हम आपको बताए होंगे संचयी बारंबारता वाले कालम के जस्ट सामने एक्स वाले कालम हम देखेंगे, जो हम अंडरलाइन अंक किए होंगे वही हमारा क्या होगा, माध्यिका हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माध्यिका बराबर, इसको लिख सकते हैं माध्यिका अर्थात मीडियन बराबर क्या होगा हमारा 16। देखिए इसमें हमारा एक्स कितना है 16, इसका माध्यिका कितना हो जाएगा आपका 16, अर्थात यही इसका आंसर हो गया। ओके, ये बात हो गई सम और विषम के कंडीशन में, एक सम के देख लीजिए एग्जांपल और एक हम विषम देख लीजिए एग्जांपल। अब हमारी बात आई कंटिन्यूअस सीरीज की। ओके, अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में हम आपको बताए होंगे कि उसमें दो चीजें हमको पता रहेगी, क्या क्या रहता है उसमें, सी आई और फ्रिक्वेंसी हमको दिया रहेगा, उसका हमको निकालना है क्या माध्यिका कैसे हम ज्ञात करते हैं। उसमें हम आइए देख लेते हैं कैसे हम माध्यिका निकालते हैं, वो भी कंटिन्यूअस सीरीज में अर्थात सतत श्रेणी में द्विघात संख्याओं का माध्यिका हम कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए आइए हम देख लेते हैं दोस्तों कि हम माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी किस श्रेणी में, कंटिन्यूअस सीरीज में, अर्थात नंबर तीन क्या होगा हमारा कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस श्रेणी सीरीज, इसको हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सतत श्रेणी, सतत श्रेणी। ओके, हम आपको देखिए बताए होंगे कि इसमें आपका जो होगा वो आपका अलग फार्मूला लगेगा, कंटिन्यूअस सीरीज में हम आपको देखिए फार्मूला बता दे रहे हैं कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। फार्मूले की बात किया जाए तो इसमें लगेगा अर्थात आपका, इसको लिख सकते हैं हम लोग मीडियन बराबर हो जाएगा एल वन प्लस एम माइनस सी अपान एफ इंटू आई इंटू आई, यही इसका क्या है फार्मूला है। ओके, ये इसका फार्मूला है। अब आपको देखना होगा वेयर, आप लिख लीजिए इधर कि वेयर कौन क्या होता है, वेयर जहां एल वन की बात किया जाए, एल वन बराबर लिख लीजिए आप माध्यिका वाले वर्ग की निम्न सीमा, इसको लिख सकते हैं हम लोग माध्यिका वर्ग की, माध्यिका वाले वर्ग की, वाले वर्ग की, माध्यिका वाले वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा, ये हो गई एल वन की बात। अब हम निकालेंगे यम, यम देख लेते हैं क्या होता है, यम बराबर होता है क्या अर्थात यम की बात किया जाए तो माध्यिका संख्या, इसको हम बोलते हैं क्या माध्यिका, माध्यिका संख्या, माध्यिका संख्या मतलब होगा आपका यन अपान टू, अर्थात क्या हो जाएगा माध्यिका संख्या, उसको हम बोलते हैं एन अपान टू के बराबर होता है, के बराबर होता है, बराबर होता है। ओके, ये बात हो गई एम की बात ही बराबर के बराबर होती है। अब बात आएगी सी, सी अगर हम देखते हैं तो सी का मतलब होता है माध्यिका वाले वर्ग से, इसको हम लिख सकते हैं माध्यिका वाले वाले वर्ग से, वर्ग से माध्यिका वर्ग, वर्ग से ठीक पहले वर्ग की, ठीक ठीक पहले वर्ग की, पहले वर्ग की, पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसको लिख सकते हैं हम लोग बारंबारता। ओके, अब बात आएगी फ्रीक्वेंसी की, यफ अर्थात यफ की बात क्या होगी माध्यिका वाले वर्ग की बारंबारता, इसको हम लिख सकते हैं माध्यिका, माध्यिका वाले वर्ग की, वर्ग की बारंबारता, सॉरी माध्यिका वर्ग वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक वर्ग की बारंबारता। ओके, बारंबारता। अब बात आएगी आई, आई क्या होता है हमारा, आई बराबर होता है माध्यिका वाले वर्ग की निम्न वर्ग अंतराल, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग
माध्यिका माध्यिका वाले वर्ग की वर्ग अंतराल यहां लिख लीजिए आप वर्ग अंतराल। ये बात हो गई हमारी जो फार्मूला इसमें दिया गया है, अर्थात एल वन क्या है, माध्यिका वाले वर्ग की निम्न सीमा है। एम की बात किया जाए माध्यिका संख्या अर्थात एन बाई टू के बराबर होता है। सी की बात किया जाए माध्यिका वाले वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है सी। और एफ की बात किया जाए तो एफ जो होता है माध्यिका वाले वर्ग की बारंबारता। अब आई की बात किया जाए तो माध्यिका वाले वर्ग की वर्ग अंतराल। ये हो गई हमारी फार्मूले की बात। अब देखिए इसमें हमको क्या क्या दिया रहेगा उसको देख लीजिए। इसमें हमको क्या दिया रहेगा, सी आई हमको दिया रहेगा, अर्थात इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये कलम आप इस प्रकार बना लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए सी आई वर्ग अंतराल है और यहाँ पर क्या रहता है आपका फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा। ओके, अब बात करते हैं वर्ग अंतराल की। 0 से 10 लिख लीजिए आप, 10 से 20 लिख लीजिए, 20 से 30 लिख लीजिए, उसके बाद आप 30 से 40 लिख लीजिए आप, 30 से 40, उसके बाद 40 से लास्ट में आप 50 लिख लीजिए। ओके, ये बात हो गई हमारी वर्ग अंतराल की। अब बात करते हैं हम किसकी, फ्रीक्वेंसी की। ओके, फ्रीक्वेंसी देख लीजिए अब कितना दिया गया है आपका, ये मान लीजिए 5 दिया गया है आपको, 10 दिया गया है, उसके बाद आपका 10 के बाद कितना है आपको यह 12 दिया गया है, अच्छा 12 दिया गया है आपका, फिर आपका 50 दिया गया है और आपका 8 दिया गया है। हम बताए हैं आपको कि इतना आपको पेपर में दिया रहेगा, इसका हम क्या करते हैं माध्यिका में इसका संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। आइए देख लेते हैं संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो आगे वाला जो हमारा कलम बनेगा वो कौन सा है, सी ई एफ की बात होगी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता। बारंबारता जो दी गई है उसको हम जोड़ते हुए संचय बारंबारता तैयार कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं, 5 यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हमारा 50 हो जाएगा, इसको हम 27 लिख देंगे, उसके बाद हमारा हो जाएगा 42 हो जाएगा, उसको हम जोड़ देंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। जितना हमारा फ्रिक्वेंसी होगा उतना ही हमारा क्या होगा, संचयी बारंबारता आएगा। देखिए इस प्रकार से हम इसका निकाल लेते हैं संचयी बारंबारता। हम आपको बताए होंगे कि टोटल अर्थात एम कैसे हमको पता होगा, तो टोटल आपका जो संख्या होगा तो इसमें चाहे एन आपका होगा सम या विषम होगा, दोनों कंडीशनों में आपका हम एन बाई टू से निकाल लेंगे। अर्थात इसको हम क्या करेंगे, एम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एम बराबर लिख सकते हैं एन अपान टू, अर्थात एन बराबर कितना है 50 बराबर 2 बराबर 25, अर्थात एम की मान कितना आ गया आपका 25 आ गया। ओके, ये हमारा एम का मान हो गया। अब देखिए एम हमको किसमें मालूम हो जाएगा, एम हमको 25 कितने किसमें मालूम हो जाएगा, अर्थात इस वाले कलम में मालूम हो जाएगा, इसको हम आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, ये हमारा क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। अब देखिए जो ये है ये हमारा एफ हो जाएगा। जस्ट हम आपको सी की बात किया जाए तो सी हम आपको बताए होंगे, सी में देख लीजिए माध्यिका वाले वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, अर्थात ये हमारा सी हो जाएगा। अब बात किया जाए किसकी, आई की बात, आई बराबर कितना हो जाएगा, 10-10 का वर्ग अंतराल है तो हमारा वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये सी हो गया, एल1 की बात किया जाए तो एल1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। अब इसी फार्मूले पर रखकर हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देख लेते हैं कैसे हम इसको निकालते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, तो हमारा जो फार्मूला है उसमें क्या है, सबसे पहले हमको निकालना क्या है, L1। तो फार्मूला जो आपका है, ये फार्मूला है L1 प्लस M माइनस C अपान F इंटू I। आइए इसी पर हम हल कर लेते हैं, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं मीडियन बराबर हो जाएगा L1 प्लस M माइनस C अपान F इंटू I। अर्थात इसको हल कर लीजिए, L1 संख्या हम कितना रखेंगे 20, तो यहाँ लिख सकते हैं 20 प्लस M की संख्या कितना है हमारा 25। ओके, 25 है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 25 प्लस सी की मान कितना है हमारा 15 है, तो हम यहाँ 15 लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 12 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 12 लिख लेंगे। और आई बराबर हम आपको क्या बताए हैं, 10-10 का वर्ग अंतराल है, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे,
10 लिख लेंगे। अब इसी चीज को हम हल करके दिखा दें आपको, तो आप इस चीज को सेम लिख लीजिए, उसके बाद इसको पहले हम डिवाइड कर लेंगे। ओके, इसको डिवाइड कर लीजिए आप, तो 25 में से 15 चला गया आपका, कितना बचा 10, 10 अपान 12 कर लीजिए इंटू 10 कर लीजिए आप, तो इसको आप काट दीजिए, इसके 2 6 12 हो गया, 2 5 10, अर्थात आगे वाला क्या हो गया 20 प्लस, इसको हम गुणा कर लीजिए 50 अपान 6, अर्थात इस चीज को आप हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 20 प्लस, इसको आप भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 6.8.33। आप इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 28.33। यही हमारा क्या है माध्यिका, अर्थात इसको माध्यिका बराबर लिख सकते हैं हम लोग, माध्यिका माध्यिका बराबर लिख सकते हैं हम लोग 28.33, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, इस प्रकार से हमारी जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए।